हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका पूरा परिवार जो है वो भी ठीक ठाक होगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। और आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट को पा करके मैं नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल की तरफ से आपको पहली लोहड़ी की मुबारकें, लख लख बधाइयाँ पौधी पंजाबी यूट्यूब चैनल और पंडवाड़ा पब्लिक यूट्यूब चैनल की ओर से। और आप सभी माथा टेक चुके होंगे, अगर नहीं टेका तो टेक लीजिए अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपनी पूरी जो है फैमिली के साथ। और यही दुआ करूँगा अपने परमात्मा गुरु से कि आपकी लोहड़ी बड़ी खुशियों भरी हो। आशीर्वाद लें लोहड़ी माता से। और पूरे पंजाब के अंदर जो ये सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, काबिले तारीफ त्यौहार है ये, और सच्चा त्यौहार है, सच्चा त्यौहार है। और ये मेरी फैमिली बैठी है यहाँ पर, ये देख लीजिए। और इधर मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं, गड़ाई करते हैं ये बहुत। और ये मेरी पत्नी है जो इनको संभालती है, प्यार से रखती है। और ये मेरा बच्चा है बड़े वाला। इधर देखो, देखिए हम माथा टेक चुके हैं दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी लेट होगी, मैंने कहा चलो आराम से बना लेंगे। हालांकि मैंने बाहर बनानी थी वीडियो, लेकिन ठंड है दोस्तों और मेरी पत्नी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया ठंड की वजह से कि चलो भाई यहीं माथा टेक लेंगे, यहीं वीडियो बन जाएगी। और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये लोहड़ी हम मनाते हैं दोस्तों। हर साल अपने पूरी फैमिली के साथ मैं माथा टेकता हूँ। खड़का मत कर वीरू, आराम से बैठ के देखो। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने चूल्हे में ही माथा टेक लिया है दोस्तों, क्योंकि बाहर ठंड ज़्यादा है आज, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और बच्चे भी मेरे अभी छोटे हैं, मासूम हैं, और पत्नी भी मेरी समझदार है हालांकि, लेकिन फिर भी दोस्तों ठंड की वजह से यहाँ लोग कप कप आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है थोड़ी सी, हालांकि जो सूखी ठंड थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर जो ठंड पड़ रही है वो गीली ठंड है दोस्तों, और ये नुकसान नहीं करती, लेकिन फिर भी बच के रहना चाहिए। और अपने परमात्मा और गुरु से यही दुआ करूँगा कि आप सबकी लोहड़ी भी जो है सुखमयी हो, खुशियाँ लेकर के आए। आप अपने बुजुर्गों का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का ख्याल रखें। वीरू खड़का मत कराओ, फिर मारूंगा मैं अपना रे। यहाँ इधर देखो। और यही कहूँगा अपने परमात्मा गुरु से बार बार कि आप सब ठीक रहें, आपके रिश्तेदार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी सब ठीक रहें, भाई और भाभियाँ। और सभी आप अपनी लोहड़ी माता से आशीर्वाद लें माथा टेक करके, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों थोड़ा भी स्लो चल रहा है, क्योंकि मैं वीडियो डाल नहीं रहा इसके ऊपर। और इसके पीछे वजह कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा परेशानियों का चक्कर मुझे हो रहा है अभी, इसलिए मैं पूरी तरह से चैनल पर प्रोसीड नहीं कर पा रहा। मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, लेकिन जब जब मुझे मौका मिलेगा दोस्तों मैं वीडियो डालता रहूँगा। थोड़ी मेरी प्रोसेस हो जाएगी, कुछ समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा सा संकटों में घिरा हुआ हूँ अभी। और संकट भी ऐसे हैं कि पूछिए मत, मैं आपको बता नहीं सकता, आपका ही मन दुखी हो जाएगा। लेकिन हंसी की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं। और आज सारी रात फंक्शन होगा दोस्तों, डीजे चलेगा, भंगड़ा डलेगा। मैंने प्रोग्राम करना था घर पे, लेकिन किया नहीं और इसकी वजह यही है कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी लेकिन हो जाता है कई मरतबा कि आपका मन ठीक नहीं तो फिर कोई प्रोग्राम करने को मन नहीं करता। लेकिन चलिए फिर भी हम अगले साल देखेंगे जो होगा। फिलहाल आप सभी को दोबारा से फिर बधाइयाँ देता हूँ एक बार लोहड़ी की, और माथा टेकिए और खुशियाँ प्राप्त कीजिए लोहड़ी माता से। और प्रेम प्यार से रहिए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, ताकि कोई दिक्कत आपके साथ ना आए। और उतार चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों ज़िंदगी में, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। आप अपने परमात्मा गुरु के ऊपर पूरा विश्वास रख करके आगे बढ़ते रहें, और जितने भी त्यौहार आते हैं उन सबको अपने पूरे परिवार के साथ मनाएं बड़े प्रेम प्यार से, और आनंद लें अपनी ज़िंदगी का जो परमात्मा और गुरु ने आपको बख्शी है। और वफादार रहें अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, क्योंकि दोस्तों अपना घर ही देता है खाने को, कोई कितने दिन किसी को खिला देगा? कोई नहीं खिलाता किसी को। हालांकि मैं सबसे यही कहूँगा कि आप प्रेम प्यार से रहें, ठीक है जी। और सभी रिश्तेदारों से, सभी अपनी माताओं, बहनों, भाभियों से, बच्चों से और अपने बड़े बुजुर्गों से यही कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें, उन्हें ये महसूस ना होने दें कि भाई
तू अकेला ही कर जो करना है, हम तेरे साथ खड़े हैं। बेशक आप इतना कह देंगे तो उसके लिए बहुत है, बेशक आप कुछ भी ना करें लेकिन आप उसके साथ जरूर खड़े, ताकि उसको ये एहसास रहे कि भाई मेरे साथ खड़े हैं वो, कर तो मैं अपने आप ही लूँगा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें ज्ञान की बातें हैं, आप जानते ही होंगे, मेरे दिमाग इतना नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर, और आप सब मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अनुभव वाले हैं, हालाँकि मैं तो अभी अनुभवहीन हूँ और क्या पता मैंने कितनी गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में की हूँ, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस जो मेरी ज़िंदगी का है दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि सब मिल के रहें, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे पति पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे दादा परदादा हैं, चाहे दादा हैं, चाहे दादा परदादा हैं, चाहे दादा हैं, दादी हैं, या माँ बाप हैं, या रिश्तेदार हैं, सब आप समय लड़ मिल के रहें। वीरू ठीक बैठो बेटे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है ख्याल रखिए, और नई नई वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। जय लोहड़ी माता, जय लोहड़ी देव, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, वंदे मातरम।